वक्त हो ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वक्त पे करो जल्दी। तो कौन है, क्या कर रहे? वीडियो बना रही। अरे इसको तो ये क्या कर रहा है, काट रहा है। ना छोड़ दे बेटा, मैं तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। तो आज है और 23 मार्च है ना, जुमेरात। तो आज का रोज़ा होते होते नहीं हुआ, चांद नहीं दिखने की वजह से, है ना। तो जुम्मे का पहला रोज़ा होगा और आज रात की होगी अपनी सहरी, है ना फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने कितना प्रिपरेशन किया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी तो पूरी प्रिपरेशन हो गई थी और कल इतना साफ सफाई, मतलब कि आने वाले एक हफ्तों में ज्यादा हमको काम ना करना पड़े, क्योंकि शुरू के रोजे थोड़े से मुश्किल जाते करके इतना साफ सफाई कर लिए थे आमीना और मैंने कि बस। और हम कर ही रहे थे और भी चटनी वटनी की तैयारी रमजान के लिए, रोजे के बाद की तैयारियां। तो फिर बुलबेन लोग आ गए थे मिलने अम्मी से मुझसे, फिर हम लोग सब मिले, भाई भी आए थे, बच्चे भी आए थे, सब आए थे। तो यहीं सब थे तो थोड़ा सा मज़ा भी आई, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के पहले अल्लाह ने सॉल्व कर दिया जो भी था हमारा, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। और अब बस बच्चों के एक पेपर अटके पड़े हैं आयान अमान के, तो वो भी आसानी से हो जाए। और आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए, सबके बच्चे। हाँ, सब माँ बाप भी मेहनत करते बच्चों के साथ साथ, बच्चे तो मेहनत करते करते माँ बाप भी बड़ी मेहनत करते, और बच्चों से ज़्यादा माँ बाप टेंशन में रहते हैं भाई कि क्या मालूम क्या रिजल्ट आएगा। और हमेशा सारी दुआएं छोड़ के इस वक्त है ना, सारे माँ बाप यही दुआ करते कि अल्लाह पाक अच्छे नंबरों से हमारे बच्चे पास हो जाए या पास हो जाए बस, है ना। 10th और 12th बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे बच्चे इतने भी अच्छे पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक पढ़ लेते, याद कर लेते, पूरा सिलेबस नहीं याद कर पाते, करते नहीं है तो होता नहीं है, कर सकते मगर वो करते नहीं है, वो प्रॉब्लम है मेरी नहीं, मेरे बच्चों की। तो खैर, साल निकल गया है, रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको रमज़ान और मुबारक की बहुत, आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। और अल्लाह करे ये रोज़ा, अभी तक कितना मौसम ठंडा है ना, ऐसे ही ठंडा अप्रैल तक के रहे, रमज़ान सबके ऐसे ही ठंडे मौसम से निकल जाए और अच्छे निकले सबके। और अल्लाह सबके घर में खैर बरकत दे, नमाज की दौलत दे, है ना। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, सबकी सेहत अच्छी रहे, मेरी भी सेहत अच्छी रहे, आप लोगों के पीछे अल्लाह पाक हम सबको सेहत दे, नमाज रोज़े की नेक तौफीक दे। तो अब चालू होगा हम सबका, जितने भी ब्लॉगर्स है, रमज़ान की रूटीन, जो सुबह सहरी से लेके इफ्तार तक के और ईशा की नमाज तक के इंशाल्लाह। तो सुबह का तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, मतलब कि जैसे फजर के बाद, तिलावत के बाद तो सो ही जाते हैं हम लोग, तो सोते हैं
फिर उठते हैं 12:30-1 बजे, फिर साफ सफाई होती है, फिर नमाज होती है, फिर नमाज के बाद ऑफिस मेरे हस्बैंड जाते हैं तो वो वहां से आके नमाज के बाद फिर सोते हैं और बच्चे भी सो जाते हैं नमाज के बाद में, फिर वो 3 बजे तक के सोते हैं, फिर उठते हैं लोग। और अगर मुझे भी कभी कभी वीकनेस लगती है तो मैं भी सो जाती हूँ। हकीकत तो ये है, मैं ज़्यादातर नहीं सोती, कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी पारे मुकम्मल होते जाए, जल्दी से जल्दी 26वें रोज़े तक के कुरान पाक कंप्लीट कर ले हम लोग, यही रहती है मेरी। तो मेरा एक ही कुरान पाक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। बेटा मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तेरे को, लूँ रुक जा, हाँ तो जाओ यहाँ से, मेरे को अच्छा। तो फ्रेंड्स ऐसा रहता है, एक ही कुरान पाक होता है मेरा ज़्यादातर तो, पर इंशाल्लाह इस बार कोशिश है 2 की इंशाल्लाह, है ना। तो क्या है, घर के काम के साथ साथ ना नहीं हो पाता, और कोई कोई दिन बाहर शॉपिंग के लिए भी, हाँ तो कुरान वो बीच बीच में फिर वो शॉपिंग जो अधूरी रह जाती वो लेने जाना पड़ता है ना, ये रह गया वो रह गया वो लेने जाना पड़ता है। हर साल कोशिश करती हूँ कि रमजान में मेरे को कहीं जाना ना पड़े, कपड़े से लेके पर्दों से लेके सब ले लूँ। इस साल तो पर्दे नहीं लूंगी क्योंकि हम लोग तो घर ढूंढ रहे हैं भाई नया घर, तो मैं अभी लेके कोई गलती नहीं करूंगी, जो है अभी पिछले साल ही लिए हुए उसी में निकालूंगी, क्योंकि इंशाल्लाह 2-3 महीने में या 4 महीने में हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट होंगे। आप लोग की दुआ रही तो उससे भी जल्दी हो जाएंगे, हाँ क्योंकि हम लोग घर ढूंढ ही रहे हैं। तो मैं मना करूंगी इनको कि इस साल पर्दे ना ले, क्योंकि फिर नए घर में नए जो भी पेंट वेंट के हिसाब से मैं अपने नया सेट बनवाऊंगी तो अवॉइड करूंगी मैं। और चादरें वगैरह तो मेरी ली हुई है, मेन कपड़े हैं जो हमने लिए नहीं हैं, और लेना हल्के फुल्के क्योंकि फिर हम ईद बाद जा रहे हैं घूमने, तो फिर हम वहां से भी लेंगे, खरीदी वरीदी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने अभी तक सीक्रेट रखा है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, और वो तो सीरीज वाइज रहेगा फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत मजा आएगी क्योंकि हमारी पूरी की पूरी फैमिली जा रही है, तो इंशाल्लाह जरूर मजा आएगी, आप लोगों को देखेगा। और बस कुछ सामान आने का है जो आ जाना चाहिए था 3-4 दिन पहले, मगर आया नहीं है। तो कल बहुत बोल रही थी आयन को, ले आ ले आ बेटा वो सब मेरे को, क्योंकि फिर सामान जमाना भी रहता है, पर वो आज जाएगा, वही होगा फिर, वो रात ही होगी मुझे। और थोड़ा सा फ्रिज का भी सामान बनना है, फ्रिज भी क्लीन हो गई क्योंकि फिर रमजान में सफाई करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उसमें इतना सारा सामान रहता है कि क्लीनिंग करना मुश्किल हो जाता है ना। तो ठीक है, अभी तो बज रहा है, कितना बज रहा है ऊपर देखो, 3:30, अभी बज रहा है 3:30, और हम लोग नमाज वमाज पढ़ लिए। देखिए मेरे जानमाज भी बाजू में है और अम्मी वहाँ पढ़ रहे हैं, और मैंने अभी भी पारा रखा है, पूरा नहीं हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है, पर है ना मुझे कुछ नींद के झोंके जैसा आ रहा था, तो मैंने लिए थोड़ा सा रुक जाती हूँ, फिर वजू करती हूँ, फिर पढ़ूंगी। तो बच्चे भी आए, वो भी फ़ोन मांग रहे हैं, एक फ़ोन है ना, एक है फ़ोन एक्स्ट्रा, मगर उसके पापा ना जैसे ही हाथ में देखते हैं ना वैसे बोलते हैं मैं तोड़ दूंगा, इसलिए मैं उसको छुपाती हूँ, तो वो अभी मैं दे नहीं रही उन लोगों को। सही भी बात है ना, एग्जाम का टाइम है, क्यों फोन हाथ में ले रहा, फिर वो पढ़ाई याद नहीं रहती, वो गेम ही याद रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा लेट लेती फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ खाने के टाइम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोगों को सबको रमजान का चांद बहुत बहुत मुबारक। और अभी अभी हमने देखा था, मैंने डाल दिया है और आगे ब्लॉग में डाल दिया है, पर है ना मेरे बच्चे ना, इसलिए मैं अभी डांटी रही थी कि तुम लोग की वजह से मैं किसी को भी ब्लॉग नहीं बना पाती। अभी बाजी से मिली, सब हम लोग घर पर हाथ हाथ चुमे, तो अभी जा रही हूँ रोशन भाभी से मिलने, एक रोशन भाभी है पास में तो उनसे मुलाकात हो जाती, पर्सनली हाथ हाथ चुम लेते, बाकी सबसे तो फ़ोन में बात होती है, फ़ोन में सलाम दुआ हो गई है। अभी जमीला बहन जो शहन भाभी बाकी है तो उनको रोशन भाभी के घर बैठे बैठे कर लूँगी इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ रोशन भाभी के घर आपको, आप सबको एक बार और रमजान का चांद बहुत बहुत मुबारक। तो आ गई हूँ मैं रोशन भाभी के घर, चलिए मिलते हैं।
अरे भाई जन घर में बैठे ओ बाबा भाभी अस्सलाम वालेकुम। रमजान का चांद मुबारक। तो फ्रेंड्स हो गया हमारा खाना पीना और ईशा की नमाज भी हो गई थी और अभी बज रहा है 12:15। तो सुबह सहरी के लिए जल्दी उठना है। तो मिलते हैं आपको सुबह सहरी पे कल नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मैं लेटे लेटे एंड कर रही हूँ व्लॉग को। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और कल से व्लॉग अच्छे अच्छे वाले रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हम कल से पहले रमजान का रूटीन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो हर व्लॉग पे बने रहिएगा। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।